हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम टॉन्सिलाइटिस क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और होम्योपैथी में क्या इसका इलाज संभव है, और खासकर इसमें हम चर्चा करेंगे क्रोनिक कंडीशन को लेकर और रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के बारे में। क्योंकि एक्यूट तो खुद भी रिकवर हो जाता है, वो खुद से भी ठीक हो जाता है। आप थोड़ा बहुत वहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं तो वो क्योर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है क्रोनिक में और रिकरेंट में। तो इस वीडियो को आप अब तक जरूर देखें, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टॉन्सिल है क्या। टॉन्सिल एक तरह का लिम्फ नोड है, जो कि आपके बैक ऑफ थ्रोट गले के पीछे की एरिया में ये सिचुएटेड होता है। इसका मोस्टली जो फंक्शन होता है वो डिफेंसिव फंक्शन, यानी कि इन्फेक्शन एजेंट को किल करना, आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, आपकी बॉडी को सुरक्षित रखता है ये टॉन्सिल। इसी टॉन्सिल में जब इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, जो उसको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, यानी कि आइटिस लग गया, यानी कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप हो रहा है। और इन्फ्लामेशन डेवलप होता है तो वहाँ पे कॉमन जो साइन, कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, वहाँ पे पेन, वहाँ पे बर्निंग, उसके साथ साथ वो पार्ट स्वेल कर जाता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम जो कि टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। पहले बात करते हैं एज फैक्टर, किनमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। सबसे जो मोस्ट अफेक्टेड जो ग्रुप है वो है चिल्ड्रेन, बच्चे। और खासकर देखा गया है 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा अन्य एज में भी ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन बच्चों में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। जब हम कॉज की बात करेंगे तो कॉज में दो ही मुख्य कॉज है, बैक्टीरिया और दूसरा है वायरस। बैक्टीरिया में खासकर स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के कारण की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है, इसलिए उसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोट, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण डेवलप होता है। दूसरा वायरस, कुछ ऐसी वायरस है खासकर जो एडिनो वायरस, एफ-16 वायरस, हर्पिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कुछ ऐसे वायरस हैं जिसके कारण ये टॉन्सिलाइटिस जैसी समस्या देखने को काफ़ी कॉमनली मिलती अब है। बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के टाइप को लेके। इसके मुख्यतः 3 टाइप हैं। पहला एक्यूट, दूसरा क्रोनिक और तीसरा रिकरेंट। एक्यूट कंडीशन को हम लेते हैं 7 से 10 दिन तक, यानी कि 7 to 10 days तक हम इसको रखते हैं एक्यूट कंडीशन में। जब 10 days से एवप हो जाता है, उससे ऊपर चला जाता है, लंबे समय से अगर प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको हम क्रोनिक में डालते हैं, उसको क्रोनिक कंडीशन में डालते हैं। और तीसरा आता है रिकरेंट, यानी कि 1 साल में 3 से 4 बार या 5 बार या उससे ज़्यादा ये टॉन्सिलाइटिस समस्या डेवलप हो रही है, उसको हम रिकरेंट में डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक्यूट को ठीक करना काफ़ी आसान है। एक्यूट को आप घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं, अपने घरेलू मैनेजमेंट के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है क्रोनिक में और रिकरेंट में। अगर इसको आप ठीक नहीं करते तो काफ़ी अन्य कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होते हैं, जिसको हम आगे सिम्टम के माध्यम से देखेंगे। अब बात करते हैं सिम्टम, लक्षण क्या क्या आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, इसके अलावा साइन। सबसे पहले हम लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण गले में दर्द, थ्रोट पेन, ये काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा जब सेकेंड सिम्टम की बात करेंगे, फीवर, और खासकर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर टॉन्सिलाइटिस डेवलप होता है तो वहाँ पे फीवर हाई ग्रेड में रहता है। तीसरा जो मुख्य यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी कम हो जाती है। उसका मुख्य कारण है कि गले में दर्द होता है, पेशेंट को निगलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जिसका एक और सिम्टम आपको आगे देखने को मिलेगा कि डिफिकल्टी इन स्वलइंग, क्योंकि वहाँ पे दर्द हो रहा है पेशेंट को, इसलिए वो निगल नहीं पा रहा, इसलिए लॉस ऑफ एपेटाइट में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा ईयर पेन, कान में दर्द, और एक और यहाँ पे मैं जब कॉम्प्लिकेशन की जो बात कर रहा था, ओटूरिया, कान से डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम का मुख्य कारण होता है टॉन्सिलाइटिस। अगर बार बार आपको टॉन्सिल में इन्फेक्शन डेवलप होता है, उसके कारण ईयर डिस्चार्ज की कॉमन प्रॉब्लम जो कि काफ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा हेडेक, सर में दर्द, ये काफी कॉमनली वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि बैड ब्रेथ, मुंह से गंदी बदबू भी आने लगती है। और जब आप इसको जब चेक करेंगे, यानी कि पेशेंट को जब बोला जाता है आप मुंह को, माउथ को ओपन करो, और जब आ करने के लिए बोला जाता है तो वो आपको वहाँ पे टॉन्सिल दिखता है, वो पार्ट रेड दिखता है, ये साइन होता है। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि टॉन्सिल वहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ है। और एक और यहाँ पे कंडीशन डेवलप होता है, जो कि टॉन्सिल बेस छोटे छोटे वहाँ पे स्पॉट डेवलप होते हैं, वो स्पॉट खासकर येलोइश स्पॉट होते हैं। जो साइन थे ये मुख्यतः हेल्प करते हैं डिजीज को डायग्नोस करने में। अब बात आती है बच्चों में, बच्चों में क्या क्या लक्षण कॉमनली देखने को मिलते हैं। अगर बच्चों में टॉन्सिलाइटिस समस्या डेवलप होती है तो सबसे जो कॉमन सिम्टम जो पहला देखने को मिलता है, गले में दर्द, वो तो रहेगा ही। इसके अलावा स्टोमेक में दर्द, यानी कि पेट में दर्द की शिकायत बताते हैं बच्चे।
इसके अलावा मुंह से सलाइवा का निकलना, मुंह से लार का निकलना, ये भी काफी कॉमनली देखा जाता है जब टॉन्सिलाइटिस समस्या डेवलप होती है बच्चों में। इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वॉमिटिंग, उल्टी जैसी समस्या भी देखने को मिलती है टॉन्सिलाइटिस जैसे कंडीशन में, और उसके साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, ये भी सिम्टम बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये जो कुछ सिम्टम थे जो कि जो मैंने पहले तक जो सिम्टम बताए थे वो पूरे एज अ होल मैंने बताया था। ये जो कुछ मैंने यहाँ पे 4-5 सिम्टम बताए, ये इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि बच्चों में अगर ये डेवलप होता है तो यहाँ पे कुछ सिम्टम यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैनेजमेंट में कुछ बातें, खासकर मैंने जो पहले बोला था एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में आप गार्गलिंग करके गर्म पानी में अगर नमक डाल के आप गार्गल करते हैं उससे भी टॉन्सिलाइटिस की समस्या खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक दवा का क्या रोल है खासकर टॉन्सिलाइटिस कंडीशन में। जब बात आती है एक्यूट कंडीशन में, अगर वहाँ पे स्वेलिंग डेवलप हो रहा है, आपको वो देखने पूरा एरिया रेड लग रहा है, तो वहाँ पे बेलाडोना काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि 30 पोटेंसी में आप वहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा बेराइटाम्यूल जो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस कंडीशन में, बेराइटाम्यूल भी वहाँ पे 30 पोटेंसी में यूज़ किया जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये तो एक्यूट कंडीशन का था जहाँ पे प्रॉब्लम खुद भी ठीक हो जाती है, लेकिन मेडिसिन इसलिए दिया जाता है कि पेशेंट को ज़्यादा वहाँ पे सफ़र ना करना पड़े। जब बात आती है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की, तो वहाँ भी बेराइटाम्यूल और बेराइटाकार जैसी मेडिसिन जो काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। जब बात करते हैं रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस में, तो वहाँ पे ट्यूबरक्लिनम और बेराइटाकार जैसी मेडिसिन जो कि काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। तो जैसे मैंने पहले बोला था एक्यूट कंडीशन में, अगर आप मेडिसिन नहीं भी लेते हैं फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन सफरिंग को कम करने के लिए मेडिसिन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है ताकि वहाँ पे आने कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम लंबे समय से है, क्रोनिक कंडीशन में है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस समस्या है, तो आप डॉक्टर से मिलें, नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट करवाएं, अपना पूरा वहाँ पे केस दें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल हो सकता है अगर आप उसका प्रॉपर रूप से वहाँ प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो यही थे, कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका जो भी सलूशन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।